साहब से हमेशा सुना है कि हम सब शिव के ही अंश हैं, जो शिव में है वो हम में भी है, जैसे प्रेम, दया और सभी प्रकार के भाव। अगर सारे भाव मनुष्य में स्वाभाविक हैं तो शिष्य भाव स्वाभाविक क्यों नहीं? हमें अपने गुरु का शिष्य बनना पड़ता है। गुरु ने सारे प्राणियों में शिष्य का भाव स्वाभाविक क्यों नहीं बनाया? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के पास पिता का भाव है, माँ का भी भाव है लोगों के पास, लेकिन क्या 4 साल के बच्चे में पिता का भाव होता है? क्या 5 साल की बच्ची में माँ का भाव होता है? जब तक संतान नहीं होगी माँ का भाव उदय नहीं होगा, पिता का भाव उदय नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब तक हमारे आपके मन में शिष्य भाव नहीं जगेगा तो गुरु भाव से जुड़ेगा नहीं। गुरु भाव है हमारे आपके बीच में, दया का भाव है हमारे आपके बीच में, वशु ऐसा थोड़ी है। उसने जो जीव बनाया है तो उसने सब कुछ उसको दिया है, जो गुरु के पास है सो आपके पास भी है, जो आपके पास है वो गुरु के पास भी है। तो उसने शिष्य भाव भी दिया है, गुरु भाव भी दिया है, लेकिन अनुकूल परिवेश होने पर ही वो उदय होगा। बिया है, बरगद का बिया ले लीजिए, रखा हुआ है, वृक्ष होगा, संभावना है वृक्ष की, बहुत विशाल वृक्ष की संभावना है, लेकिन वृक्ष नहीं होगा। जब तक कि उसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज है, ठीक उसी तरह से ये सारे भावों के बीज हम लोगों के मन में है, वो परिस्थिति जन्य होते हैं, और जब तक उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा ये अंकुरित नहीं होंगे। तो शिव गुरु हैं, वो हमारे आपके बीच हमारे आप में भी हैं। शिव की इसका सृष्टि भाव जिस तरह से छिपा हुआ है सब में, जगत में चल रहा है सारा जगत, जिससे उसमें उनका गुरु भाव भी छिपा हुआ है। सारे भाव वहाँ निहित हैं, सारे भाव व्यक्ति में भी है, गुरु में भी है, परमात्मा है वो। तो जैसे आप शिष्य भाव को उद्भासित करेंगे, जैसे आप शिष्य भाव को अंकुरित करेंगे, वैसे गुरु भाव शिव के प्रति करेंगे तो शिव गुरु का भाव उससे जुड़ेगा, शिव भाव जो अपना जो काम है उसका करेगा, आपको शिव की ओर उन्मुख करेगा। जी भाई राम नारायण जी हैं भागलपुर से। आप अक्सर कहा करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो क्या मंजिल वास्तव में मिलेगी या सिर्फ कारवां ही बन के रह जाएगा? अगर आदमी ये सोचे कि उसको परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक विशेष कार्य के, तब तो वो कार्य ही नहीं करेगा। वो सुना है ना भाई साहब कि जब से चला हूँ मंजिल की ओर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कितना किलोमीटर गए वो इतना पहुँच गए, मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल मिले ना मिले, भैया शिव को पाना तो आसान नहीं है, शिव तक पहुँचना तो आसान नहीं है, लेकिन उस दिशा में चलने में क्या है? चलेंगे हम? मैं बहुत पहले कहा करता था, मेरे पिताजी बहुत क्रुद्ध होते थे मुझ पर कि तुम अपना काम छोड़ के सब कौन धंधा करता है, महादेव महादेव क्या करता। तो हम कहते थे कि कोई गंदी आदत किसी बेटे में हो और बेटा सहना हो गया, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हो गया था, तो पिता की बात नहीं सुनता, पिता लाख समझाता है कि गंदी आदत छोड़ो, वो सुनता ही नहीं, अंत में पिता दरकिनार हो जाते हैं, खुद ही दरकिनार हो जाते हैं, तो नहीं छोड़ता। तो हमने कहा कि मैं महादेव महादेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या होता है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी, शिव की ओर चलना है, कम से कम जगत को, दुनिया को, दुनिया के लोगों को शिवोन्मुख किया जाए, कोशिश की जाए कि उनमें शिव का भाव उतरे, शिव जैसा उनमें आचरण हो, अशिव का आचरण कम से कम नहीं है। भाई ओम जी हैं विराटनगर नेपाल से। किसी से अनुभूति में आपने लिखा है
कि किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है। तो गुरु की साकार स्थिति क्या है, निराकार स्थिति क्या है, किस स्थिति में हम निराकार को स्वीकार करें या साकार को अंगीकार करें? देखिए, आप भी साकार हैं कि नहीं है इस पर संदेह, ये उनका सवाल है। नेपाल से। ओम जी, आप शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं? ये आपका शरीर है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक आदमी का शरीर है। आप तो मन भी नहीं है। क्यों? आपकी आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, बाजार नहीं जाएंगे। जैसे आदमी बोलता है कि आज मेरा पाँव दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, तो पाँव थोड़ी, मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मैंने आप चप्पल है। मेरा मन दुखी है, इसका मैंने आप मन है। आप मन भी नहीं है, आप शरीर। शरीर कितने अवयव बदल जाते हैं, आप चिकित्सा विज्ञान देखिए, चिकित्सकों द्वारा बदल दिए जाते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, तब भी आप वही रहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग बदल जाते हैं, दूसरे अंग लग जाते हैं, तब भी आप वही रहते हैं, आप नहीं बदलते हैं। आप मन भी नहीं है, आप हैं कौन? Who are you? आप कौन है? वो साकार है कि निराकार है? अभी साकार है, लेकिन ये आकार तो उसका बदल रहा है। छोटा सा बच्चा गोदी में एक दिन इतना बूढ़ा हो गया, फोटो पहचानिएगा। मेरी बचपन की तस्वीर देख के जिसने नहीं जाना है वो नहीं कह सकता यही हरिनारायण है। बचपन का आकार बदल गया, शरीर बदल गया, रूप रंग बदल गया, सब बदल गया, लेकिन हरिनारायण तो है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो देखिए, वो आकार तो बदला, हरिनारायण का कोई आकार तो है नहीं, अभी आकार है जो बदल रहा है, बदलता जा रहा है। इस शिव के साथ भी है, आकार माने तो शिव साकार है, आकार नहीं माने तो विश्व मूर्ति कहा ही जाता है। नमस्ते नमस्ते, वो विश्व मूर्ति, वो विश्व की मूर्ति है, दिशाएं उनका पोशाक है, अंबर है। तो व्यक्ति को जो मन करे, वो साकार स्थिति हो या निराकार स्थिति हो, कदम तो बढ़ाए, साकार को पकड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन निराकार ही साकार को ही मान लीजिएगा तो नहीं चलेगा। हमको आप शरीर में मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद एक सत्ता थी हरिनारायण, जिसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, बुरा किया अच्छा किया। इसीलिए निराकार साकार में बहुत माथा नहीं लगाना है, जो साकार है उसी में निराकार है, जो निराकार है उसी में साकार है।